नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी ने अपने विधायक सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये नोटिस उनको क्यों जारी किया गया है ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुखालफत करते रहे, इसके लिए उनको नोटिस जारी किया गया है। इसके लिए उनको 15 दिनों का समय दिया गया है कि आपको बताना होगा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो 15 दिनों के बाद सुधाकर सिंह कोई संतोषजनक जवाब अपनी पार्टी आरजेडी को दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, या उनको पार्टी से निकाला जाएगा, कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का मतलब तो यही होता है। तो ये होगा, ये देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दर्द होने लगा है, भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल उठा दिया है कि सिर्फ सवर्ण नेताओं पर कार्रवाई क्यों कर रही है आरजेडी, अपनी पार्टी के सवर्ण नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों, दूसरे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर रामसागर सिंह, डॉक्टर रामसागर सिंह ने यह सवाल उठाया है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह क्या कर रहे हैं। वाह तेजस्वी जी वाह, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, किसानों की आवाज बनने वाले सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई और सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले चंद्रशेखर को बचाने के लिए दवाई, क्या है आपका कार्रवाई? आप तो ए टू जेड की बात करते थे ना, तो क्या सुधाकर सिंह सवर्ण है इसलिए उस पर कार्रवाई, और चंद्रशेखर यादव है इसलिए उनको बचाने के लिए दवाई? कहां गया ए टू जेड का आपका फार्मूला भरमाने के लिए, जनता को भ्रम में रखने के लिए कि ए टू जेड की पार्टी है? आपने तो इस कार्रवाई से यह साबित कर दिया कि आप अभी भी ए टू जेड नहीं बल्कि एम वाई में ही विश्वास करने वाले लोग हैं और उसी के तहत ये कार्रवाई भी किया।